हाँ गाइस, ये देख लो, ये दो प्राणी जिसको जिसको एक गोला खा के उसने हमसे गारंटी ली थी अब वो कुछ नहीं होगा। हाँ, और कल जाके मुझे पता था ये होगा। अरे वो मजाक कर रहा था, सीरियसली बात है। आप ठंडा मीठा खाओगे तो होगा नहीं क्या? वो तो बेचारी की उसकी कला है बेचने की, उसका वो नहीं मिश्री। देखो मीठा खाने के बाद, चिकना खाने के बाद अगर आपने पानी पिया ना वो होगा। सो गाइस, हमें मिल गई यहाँ पे एक माचिस, और ये पानी का जुगाड़ नहीं किया, पानी तो पड़ा ही था, पर अभी हम चला रहे हैं माचिस से गैस। ये पता नहीं ये जलेगी, मुझे नहीं समझ में। एक हाथ से गैस को पकड़ के कैमरे से गाइस, ये धीरे धीरे हमारा गैस जल जग गया और ये पूरा अच्छे से जल गया। हाथ सेक सकते हैं पर इतनी सर्दी नहीं है अभी। इसमें तो गाइस ये हमारी आग ऐसे तेज तेज जग रही है। पानी धीरे धीरे तो पानी नहीं, धीरे धीरे पानी होला होला गर्म हो रही है। हाँ सुनो, दुनिया तो बाद में होगी, घर में कुछ की पहले हो जाएगी। इधर का पता है गाइस, ये टैंक खोल लिया हमने गाइस, हमें मिल गए। ये देखिए, ये जो हमने घर से लाए थे जुगाड़ करके, वो भी ब्रांडेड के हैं। नोट हाँ, टमेटो आओ, इसमें भी फ्लेवर चाहिए क्या बताओ? हद है यार, किसी चीज की कदर नहीं है। इसमें भी रात को 2 बजे फ्लेवर चाहिए। तो गाइस रात के 2 बज रहे हैं, 2:20 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, और ये दो प्राणी बैठे हैं सामने। तो आपका मन कर जाए कुछ पीने का तो आप पी सकते हैं सूप। तो हम आपको बताती है रेसिपी, रेसिपी बताते हैं। तो सबसे पहले ढूंढिए आप एक चूल्हा, फिर उसके साथ में सिलेंडर भी होना चाहिए, फिर उसको माचिस से ऑन कीजिए क्योंकि वो ही मिल सकती है आपको। फिर उसको पानी को बॉईल कीजिए, बैग में से सूप का पैकेट निकालिए, फिर बड़े प्यार से इस पैकेट को फाड़िए, बड़े प्यार से इसको फाड़िए। अगर बर्तन नहीं हो तो डिस्पोजल गिलास भी चलेगा, और वो भी किसी ने रख रखे इस घर में, कि ऐसे प्राणी आएंगे जिनको डिस्पोजल चाहिए। दे सकते हैं दारू की तरह शेक करेंगे उसको, तो पानी जैसे उबलने लग जाएगा। उबलते हुए पानी में डूबना नहीं है। मैं भूल गई थी बटन दबाना, तो कहीं सब चाल रही हुई। तो गाइस अभी हम इसको ठंडा होने के लिए वेट करें, क्योंकि हमारे पास ये डिस्पोजल गिलास है और ये गर्म है। अब बाहर डिस्पोजल गिलास चिपक जैसे। गुन्नू भाई साहब गिलास चिपक, गिलास को कुछ उम्र पड़ जैसी, हमारा आत्मा जैसी। अरे देवता ठंड हो जा, अब मन ये लगे यार, आ ढुलगो ढुलगो आ आ यहाँ, वो भी मन सके मैं कि ढुलू ना। मतलब माना हाथों की ढुड़े ना, जिंदगी में कदी भी आने को काम को नहीं हो सके। सही में अही चीज हो तो रिकॉर्ड टूट जाए, तो पहला पता कहीं हो तो रिकॉर्ड बन रहा है ना, मतलब मेरा एकदम कायम रह रहा है मेरा रिकॉर्ड, टूट सकता ही नहीं ना किसी कंडीशन में। पहला जब मम्मी मन के काम करती ना और किया, मैं एक बूंद जरूर ढोड़ती मम्मी ने ढक्कन एक एक ढोड़ा भी ना तो तू कभी काम करी ना। अभी यहाँ नहीं था मामा के, तो ढोड़ा भी ना कोई काम करी ना। मैं यार मार रिकॉर्ड टूट जाए ढोल दी तो। मैं सोच रही कि क्या कौन दे यार, अब यही आन को तो पी ले छा यार, मैं थोड़ा डाल देखूं।
पर ऐसे मुझे पतला पतला ही अच्छा लगता है, आपको गाढ़ा अच्छा लगता है? नहीं तो ये उस बिकी साबुन एकदम सही है, मैं थोड़ी हिंदी में ज्यादा आ गई। लो सा पियो सा, दो गिलास कमाई में। हाँ तो ये है हमारा, अब इसको दारू ना समझे, ये हमारा सूप है भाई, सबूत है ये, देखो और देखो तीन पैकेट का सबूत है। लो सा मनवार का, अरे ऊपर से पकड़ो थोड़ा, मैंने इसलिए कम डाला है, और ले लेना। तो ओ लो आकांक्षा थाको, थोड़ा सा क्या है वो नीचे नीचे काटो रह गयो यार, पर अब वो के चम्मच भी ना मिक्स को नहीं हो सके। लो लो आकांक्षा भी दो, आकांक्षा तो दे आकांक्षा आकांक्षा जी, ओ मैं गाल लिया मार लिया सो बच गो, तुम्हें पता पानती कर जाएंगी पर ओ इनकी भी पानती हो सी, वो थोड़ा गड्डो गड्डो रह गयो, कोई बात कौन पहले पतलो पकड़ो को भी मार कोई गिलास। मैं तो पर चौथो आदमी को नहीं, मैं पतीला में प्या देता मैं पतीला वाले की नहीं नहीं मनी तू पूछ ले रही हूँ बे अटाइम गुंडड़ो अतो भी कोनी मैं का सांग बिगाड़ो बस आसा पासे डूडा मार दो ये अटाओ ना वो नहीं दो में तो अटा गाइस स्टोरी इंस्टा खातर एक धोखो की धोखा खाते भी फोटो लिया जाए, दारू को नहीं मैं फेर के ला रही हूँ मरसूप है दारू को मैं नहीं आया, छोटा छोटा टोस कोई घूम गिर है हाँ ओसो ओसो मन ला गया अब भी लिया यार, मन लगे भाई जी उठ, मन लगे बारह भाई जी सुते अपन का है ये लग दरुसी दरुसी लगा भाई सी मत कोई नहीं पैरा कौन भी बड़ा मही हूँ के आज बाहर आएगी। हाँ ये सही है, एक दोनों छोटी बन रही है, क्या हुआ? तो यहाँ हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं हम लोग हो रहे हैं रेडी, और हमारा लास्ट डे है पुष्कर में, तो यहाँ से घूम के और फिर हम लोग निकलेंगे आज शाम तक इवनिंग तक अजमेर के लिए। ये मैं बहुत ही पीछे लगा दी, ये जींस के हिसाब से और जूतों के हिसाब से ही मैं चोरी थी। तो आइए गाइस अपन दिमाग लगाते जा रहे हैं। और क्या हुआ, परफ्यूम ही नहीं लगाया आखिर, फिर उसके बाद जाएंगे हम क्या लेने, मिश्री मावा लेने और मालपुए लेने, क्या के फेमस बता रहे हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे अजमेर के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं वेलकम तो मैं किया नहीं, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। अरे आंटी सो अभी हम आ गए थे आकांक्षा के भाभी के घर खाना खाने, रो खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, मेरी वॉइस पे मत जाना क्योंकि जब मैं एडिट कर रही हूँ तब तक मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आज थोड़ा सा बेटर है तो मैं एडिट कर रही हूँ वरना लेट हो जाएगा ब्लॉग। राजमा वो मूली की सब्जी खाना, तो हम उसके बाद में आ गए खुशहाल की शॉप के पास में, वहीं वो मावा वगैरह सब मिलता है, तो इसको बाइक भी बोल के नाइस गाय।
सो इसके बाद में हम बिजी हो गए, मैंने पूरे दिन कोई शूट नहीं किया। हम लोग अजमेर निकले क्योंकि बहुत भीड़ थी। नेक्स्ट वीक अजमेर पुष्कर से भैया और इतनी भीड़ बसों में, मतलब मिलने ही नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सो होटल जाने से पहले मुझे लग रही थी भूख, तो वहाँ कुछ नहीं, मुझे जूस वाला दिख गया, तो मैं सोची मैं मौसमी का जूस पी लेती हूँ, जो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, नॉर्मल था लेकिन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, मैंने थोड़ा सा ही पिया। तो हम पहुँच गए हैं अजमेर और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। अभी तो थक गए यार, देखते हैं कहीं जाना हुआ तो जाएंगे। चले करेंगे, तो अभी हम अजमेर के होटल में हैं और कल मॉर्निंग में ही देख के आएंगे अजमेर में जो झीले वगैरह हैं, क्योंकि अभी लेट हो गया है। तो बस अब अभी आराम करते हैं और मैं भी सोती हूँ और आपसे कल मॉर्निंग में मिलते हैं। तो आप अजमेर वैसे अजमेर के लोग तो घूमे हुए होंगे लेकिन बाकी लोग भी हमारे साथ बने रहिए। हम हो गए हैं वापस तैयार, खाना खाने जा रहे हैं हम। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, आपको नहीं खिलाएंगे हम, नहीं खाना कौन खुआ, मैं खुद ही खा सिया। हाँ तो सारो खा, नहीं जब तक अकेला अकेला खा सिया मैं, जब तक थे ब्लॉग देख सो थे खा भी चुके होगा, तन पूछना कोई मतलब को नहीं, तो मैं भी खाई आऊं। बाय बाय गाइस, बाय बाय, नहीं अभी चल। उसके बाद में मैंने कोई शूट नहीं किया, मॉर्निंग का शूट है, फिर हम थक गए थे सो गए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस बहुत शरीर दुख रहे हैं यार, गाइस बहुत मोटा शरीर दुख रहा है हमारा, ऐसे बोलो हमारा, मेरा तो शरीर दुख रहा है गाइस, ऐसे लग रहे ऐसे, गाइस ऐसे शरीर दुखने से काम नहीं चलेगा गाइस, अभी और लंबा दौड़ना है गाइस, मैं टूटे कुछ ना तो घोड़ा हूँ यार, दौड़ूंगा पर थोड़ा लग रहा है यार, ऐसे बार नींद नहीं होती ना उस टाइम, वैसे ना दौड़ रहे हैं लेकिन फोन चार्ज नहीं है यार, फोन बंद हो गया रात को, करे क्या वाई कॉन्टिनेंट टिकट अगेन, यार इतनी गंदी बात तो आप लोगों को क्या ही पता है, मैं गंदी नहीं है ये, लोग समझ सकते होंगे। हाँ उन लोगों में लोग क्यों यार, लोग न्यूज पेपर लेके जाते हैं, हाँ न्यूज पेपर तो नहीं लेके जाते हाँ। अरे वो है ये अच्छा लग रहा है, हम लेके आए थे वहाँ से, है ना, उन्होंने तो सिर्फ फोन, हमारी लिमिटेशन फोन तक की है बस, हाँ फोन तक की, खा पी नहीं सकते भाई वहाँ कुछ भी, पर बहुत सारे लोग पता है वही कुछ खाते हैं अभी, अब ये फॉरेनर तो खाते ही है अजमेर। तो आज आपको कराएंगे हम अजमेर टूर, जैसे लोगों ने देखा ही नहीं है, जैसे देखा ही नहीं किसी ने अजमेर, अपन घंटे घूमने वाले देखते सब है लेकिन है ना अपने नजरिए से, हाँ वो अब हमारे नजरिए से दिखाएंगे, जो तुम्हें नहीं देखना वो भी दिखाएंगे। लो अब उठ जाओ, चाय अच्छी थी बाहर जाने की, वो वहाँ मतलब मसाले थे, मसाले वाली चाय थी, मस्त थी। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अजमेर वाला ब्लॉग अगर इसमें ऐड करती तो ये लंबा ब्लॉग हो जाता, तो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। आई होप आपको लाइक अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।